नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं BLS ई सर्विस के IPO की लिस्टिंग के बारे में, जो कि एक ऐतिहासिक लिस्टिंग आज के दिन यहां पे देखने मिल रही है और बहुत ही शानदार तगड़ा उछाल जो है देखने को मिला। यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो फिलहाल सर्किट पे स्टॉक लॉक होता हुआ दिखाई दिया है, 171% स्टॉक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है अपने इशू प्राइस के मुकाबले। अगर यहाँ पे इसके इशू प्राइस की बात की जाए तो 135 रुपए के आसपास का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले आज 366 रुपए के आसपास यहाँ पे स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सर्किट पे लॉक है, स्टॉक की ओपनिंग ही 305 रुपए के आसपास होती हुई दिखाई दी थी और वॉल्यूम अगर आज देख रहे हैं तो बहुत ही शानदार देखने में, लगभग 4 करोड़ 98 लाख शेयरों के आसपास के। इस कंपनी की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका IPO आया था 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच पे। यहाँ पे 129 से 135 रुपए की प्राइस बैंड थी। यहाँ पे 310 करोड़ रुपए उठाने की जो योजना थी, इशू साइज जो थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखें 9% हिस्सा ही मात्र आरक्षित था। अगर आप यहाँ देखें 20,72,000 शेयर, यानी कि 19,191 लोग ऐसे थे जिनको यह अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम सेलेक्टेड और बहुत ही ज्यादा किस्मत वालों को यह अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखाई दिया होगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हम बात करें इस स्टॉक के बारे में तो जिसका सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दिया था वो बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाई दिया था। अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें, 236 गुना सब्सक्रिप्शन रिटेल सेक्शन में बनता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ही कम थे। 20 लाख शेयरों के लगभग जो थे शेयर ऑफर किए गए थे, जिसमें लगभग अगर आप देख रहे हैं तो 40-50 करोड़ शेयरों के आसपास की जो बिड थे वो आपको आते हुए दिखाई दी थी। बहुत बड़ी बिड आती हुई दिखाई दी, तो पहले से कहीं ना कहीं अंदाजा था कि लिस्टिंग बहुत शानदार है, क्योंकि ग्रे मार्केट में जो संकेत देखने मिल रहे थे वो ये साफ संकेत दे रहे थे कि ये स्टॉक की लिस्टिंग बहुत ही बंपर होती हुई दिखाई दे सकती है। और आज के दिन अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा होता हुआ भी दिखाई फिलहाल दे रहा है। इस कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देख रहे हैं, 3,325 करोड़ अभी फिलहाल है आज के इस करंट प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं, 10 रुपए के आसपास की फेस वैल्यू है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर एक बार नजर डालें तो पिछले 3 साल से इस कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देख रहे हैं 64 करोड़ था 2021 में, जो कि 2022 में 96 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया, और 2023 में ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़त देखने मिली रेवेन्यू के टर्म में, 243 करोड़ का रेवेन्यू होता हुआ दिखाई दिया। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 2021 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था जो 2022 में बढ़ के 5 करोड़ और 2023 में बढ़ के सीधा 20 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 4 गुना लगभग जो प्रॉफिट है वो आपको होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है और कहीं ना कहीं जिस तरीके का मोनोपोली बिजनेस है वो इस कंपनी को सीधा सीधा प्रॉफिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे अभी भी खरीदारी करनी चाहिए या फिर यहाँ पे स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और क्या जिनको इन्वेस्टमेंट जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है उनको क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको 300-325 की रेंज में अब अपना स्टॉप लॉस सेट करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज चार्ट पे भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओपन जहाँ हुआ था उसके आसपास ही कहीं ना कहीं इसने लो बनाया, 300 का लेवल इसने नहीं तोड़ा, 303 रुपए के आसपास का लो जो था बनाया, और उसका लगातार स्टॉक में आपको एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। और अभी स्टॉक को अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सर्किट पे लॉक है कहीं ना कहीं 366 रुपए के आसपास। तो अब यहाँ पे जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है तो वो यहाँ सीधा सीधा मान के चलेगी 320-325 रुपए वो लेवल हो सकता है जहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के इसको लगातार ट्रेड करें। अगर कल के दिन यहाँ पे आपको और फर्दर तेजी देखने मिलती है तो आप जितना तेजी होते जा रहा है आप उतना स्टॉप लॉस अपना ऊपर बढ़ाते जाए, ताकि अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई वॉलेटिलिटी या गिरावट आती या प्रॉफिट बुकिंग आती किसी कारण से तो आपका मुनाफा सुरक्षित रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं 135 रुपए के मुकाबले स्टॉक ऑलमोस्ट 170% का रिटर्न दे चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा फेवरेबल नहीं है। जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए ये भाव थोड़ा ऊपर का डेफिनेटली होगा, लेकिन जिन लोगों ने पुराना निवेश किया या जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है उनके लिए यहाँ पे रिवॉर्ड रेशियो बहुत शानदार है। तो कहीं ना कहीं खोने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन ग्रोथ देखने मिलती है और स्टॉक में अगर एप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि डिमांड जिस तरीके की देखने को मिल रही है अगर वैसी डिमांड कंटिन्यू रहती है तो कहीं ना कहीं स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में आपको 400 प्लस के भी लेवल दिखाएगा तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बनी रह सकती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभाल के रखें कि कहीं ना कहीं एक ऊपरी भाव पे अगर आप फंस गए और थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली तो आपको फिर वहां नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए निवेशक जो होते हैं वो किसी भी IPO के बज में अगर आपको नहीं मिला तो आप ऊपरी भाव पे खरीद लेते हैं और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं लंबे समय के लिए।
तो ये चीज से भी बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा यूफोरिक माहौल बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो उन कंडीशन में फिर आईपीओ में जो है वो सबसे ज्यादा आपका स्पेकुलेशन देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।